क्या कर रहे हो दिनों? अरे मम्मी हम खेल के थक गए ना, अभी 2 घंटे खेल लिए, अब हम फोन में खेल रहे हैं। अभी कौन सा गेम खेल रहे हो बताओ? माइनक्राफ्ट नहीं खेल रहा मैं, माइनक्राफ्ट खेल रहा मैं अपना। नहीं मैं इस गेम का नाम है वाइल्ड रूट गेम मूवी। आज कैसे बोल रहे हो सचम? ये वो इंग्लिश आती है, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं तो शिप्रा हूं फिर से नई वीडियो के साथ में, और इधर बच्चों की आवाज आ रही होगी क्योंकि तीनों बच्चे खेल रहे हैं। तीनों का इवनिंग का टाइम है और मिट्टू हमारे घर ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। तो मिट्टू आ जाए कोई बात नहीं, शाम को तो बच्चे खेलते ही है ना। हाँ कभी कभी गायब होते हैं, मम्मी रहती है नोएडा, मिट्टू रहता है डैडी के पास। तो हम भी अपना काम कर लेते हैं, इवनिंग का टाइम है, अभी दिया भी लगाना है। तो बच्चे बाहर साइकिलिंग कर रहे थे, खेल रहे थे, तो फिर बच्चों ने कहा थोड़ी देर हम फोन में खेल लें, खेल लें मन को खेलो चलो। तो मैंने यहाँ बीन्स अपने कट कर लिए हैं, इनको बॉईल करके रखूंगी। इवनिंग का टाइम है, बीन्स अभी नहीं बनाऊंगी, सुबह नाश्ते में पराठे के साथ बनाऊंगी। इधर लौकी कट करके रखी है, इसको भी फ्रिज में स्टोर करके बंद करके रख दूंगी। तो फ्रिज में एक दो सब्जियाँ कटी रहती है ना, तो आप जल्दी जल्दी में बना सकते हो। तो मैं ऐसा करती हूँ, एक आध सब्जी अगले दिन के लिए कट कर लेती हूँ, एक दो सब्जियाँ तो ठीक रहता है। तो सब्जियाँ मेरी 2 कट हुई रखी हैं फ्रिज में, लेकिन अभी भी फ्रिज में नहीं, फ्रिज में रखूंगी, लेकिन अभी मैं इन दोनों में से कुछ नहीं बनाऊंगी। अभी मुझे बनानी है दाल, मूंग की दाल बनाऊंगी हल्की सी, जो कि बच्चे और हस्बैंड और मैं तीनों खा लेंगे, तो उनको लाइट खाना ज़्यादा ठीक रहता है रात में। तो बस वही मैं बनाऊंगी अभी, इसको बॉईल करके निचोड़ के फ्रिज में स्टोर कर दूंगी, और इसको भी एयर टाइट कंटेनर में ग्लास में रख दूंगी। इधर यूटेंसिल्स क्लीन हुए रखे हैं, तो चलिए अपने काम पे लग जाते हैं इवनिंग के कामों में। ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद फ्रेंड का फोन आ गया, फिर मम्मी का फोन आ गया, तो फिर वो वीडियो बीच में छूट गई। तो मैंने बच्चों को डिनर करा दिया और सब्जियां जो स्टोर कर रही थी ना फ्रिज में वो स्टोर कर दी। मैं सोची हूँ अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए, 9:10 हो गए, वो किसी काम से बाहर गए थे, उनकी कंपनी से कुछ लोग आए हुए हैं, तो उनकी भी कुछ मीटिंग वगैरह थी, तो वो आके अपना डिनर करेंगे। तो देखो मेरे हस्बैंड बीमारी में भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है मैं काम कर रही हूँ, आप मुझे कहते हो ना कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरे से भी ज़्यादा मेहनती हैं, और उनको देख के मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे देख के उनको हिम्मत मिलती है, तो दोनों को एक दूसरे को देख के हिम्मत मिलती है। तो अभी मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट का डेट आ जाए, उससे पहले हम लोग, मेरे हस्बैंड सोचे हैं थोड़ा सा अपनी जो मतलब कंपनी के जो और कुछ काम है ना उनको थोड़ा सा फिनिश कर लें, जिससे कि जब हम लोग बेड पे रहें तो इतनी दिक्कतें ना आए, है ना। सब कुछ मैनेज करके चलेंगे तो आगे ठीक रहेगा। अभी मैं बेडरूम में आ गई हूँ, यहाँ पे देखो कमरे की हालत बहुत ही खराब कर रखी है मैंने, मुझे नहीं पढ़ना, कपड़े फैला रखे हैं, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ बच्चों की अलमारी में ना कुछ फुल स्लीव्स की टी शर्ट है, थोड़ी मोटी है, तो उनको निकाल के अलग कर देती हूँ। बच्चों के ना कुछ कपड़े एक्स्ट्रा पड़े हुए, सब निकाल के उनको लगा देती हूँ। तो इनको मैं कह रही हूँ इतना मैं ये वाला काम करूंगी, तुम दोनों को पढ़ना है, लेकिन ये दोनों तैयार नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने कहा पढ़ना है तो पढ़ना है, इसका मतलब ब्लैंकेट में घुसी पड़ी हो, गर्मी नहीं लग रही, बाहर निकलो। नहीं मुझे नहीं पढ़ना, सक्षम तो गुड बॉय है ना मम्मी का, मम्मी अभी झुक गया, तो इनको तो पढ़ाना तो जरूरी, तो पढ़ाऊंगी तो मैं इन्हें जरूर पढ़ने के लिए। अगर श्रीजा बैठ गई हैं, क्योंकि इनको नहीं कहूंगी तो ये पढ़ेंगे नहीं, और नहीं पढ़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि मैम भी अब छुट्टी पे हैं। देखो मैंने काम किया था, क्या गंदगी तो लगी, ये नहीं देखो, बस ये देखो, ये कर रहा था, ये कर रहा था, ये वाले करा था, लेकिन इसमें सही कितना करा था बेटा, चलो लाओ दिखाओ, मैं समझ देती हूँ करने के। ये है क्या कर रखा है टी-शर्ट में, दिखाओ मम्मी को, ये गीली कैसे हो गई, मुंह में डालने से आजकल गंदे गंदे काम सीख रहे हो, चलो चेंज करती हूँ, आप मुंह नहीं मुंह में डालो, चेंज करती हूँ। सक्षम लिख रहा है नंबर नेम है ना, साफ साफ लिखने, सक्षम रोज पढ़ाई करते है ना, गुड बॉय है ना, छुट्टी में भी रोज पढ़ाई करते हैं, मैम देखेंगी फिर मैम कहेंगी अरे वाह सक्षम तो रोज पढ़ाई करता है, गुड बॉय बन गया। लो मैम को दिखा देती हूँ, देखो मैम रोज काम करता है सक्षम, सम्स भी करता है, और आपने बताया था ना काउंटिंग भी करता है, नंबर नेम भी रोज करता है, और 2 का टेबल भी रोज करता है ना। कर रही है अपना काम, क्या लिख रही है लेटर? हाँ चलो लिखो, भाई की शादी में छुट्टी के लिए लेटर, इंग्लिश में बोलो फिर, इंग्लिश में लिख रहे हो,
लेटर फॉर लीव फॉर माय ब्रदर्स वेडिंग। ओके, घर आया, उन्होंने डिनर किया और अभी इधर लैपटॉप लगाया चार्जिंग पे क्योंकि ये मेरी कुछ हेल्प करेंगे अभी। एक्चुअली जो मेरी यूट्यूब की जो वीडियोस है ना उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या आया था उसमें, क्या नाम था उसका, क्या आया था, कोई यूट्यूब की तरफ से मेल आई थी है ना, क्या था उसका नाम, तू था भूल गए क्या था, मेल आई थी उसमें मैंने कुछ मतलब मैंने कुछ करा नहीं, ना उसको फिल किया ना कुछ किया, तो तब से मेरा डॉलर नहीं शो हो रहा जो आ रहा था वीडियोस पे डॉलर। तो आप अगर मेरे से आगे चल रहे हो या फिर आपको नॉलेज है यूट्यूब की तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना मेरे किसी वीडियो पर डॉलर शो नहीं हो रहा। हाँ, वो जो एस्टिमेट बन गया है डॉलर का जितना स्टोर हो गए हैं मेरे उसमें, वो तो है, देखो बदमाशी करी तो वो तो दिख रहा है, बट जो अभी जो नई वीडियो है ना उस पर आज मेरा मोनेटाइजेशन भी नहीं ऑन हो पाया जो आज का वीडियो मैंने डाला है। तो यार इतनी मेहनत की है मैंने एक साल से, उस पर ऐसे ही पानी थोड़ी फेर दूंगी, तो अभी बस इसमें मैं और ये लगेंगे दोनों। तो मुझे ये वाली, ये लैपटॉप से मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करती, मैं अपने फ़ोन से ही करती हूँ, तो ये चीज़ इसी से होगी। तो लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाया, वैसे लैपटॉप यूँ ही रखा रहता है, इसको कोई चार्ज वार्ज नहीं करता ज़्यादा, आज हम इस पर मेहरबान हो रहे हैं थोड़ा। मॉर्निंग का टाइम है और मैं सोची हूँ आज अपनी किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि त्यौहार आ गया होली का, और होली दिवाली और कोई भी त्यौहार या बच्चों के बर्थडे वगैरह होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ घर की पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर लूँ। और पता नहीं सर्जरी की डेट तो कब तक आएगी, मैं अपना काम तो करती ही चलती हूँ ना, घर मेरा क्लीन रहेगा तो ये सारा किचन मैं सोचूँ आज क्लीन करती हूँ बाहर निकाल के चीज़ों को। और अभी मैंने कुछ नोटिस किया है वहाँ पर, तो मैंने किचन में एक कैलेंडर टंगा के रखती हूँ, उससे बहुत फ़ायदा होता है, तो आपको डेट ध्यान में रहती है, काम करते करते हम लोग भूल जाते हैं डे और डेट हमेशा, तो काम वाली के कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं, कचरे वाले के एक्स्ट्रा चले गए हैं, और मेरे क्लाइंट से क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं वो मैं यहाँ नोटिस कर लेती हूँ। तो मैंने किचन क्लीनिंग करने के बारे में सोचा है, तो मैंने किचन में कुछ रोटियाँ बना के रख दी हैं, ज़्यादा नहीं बनाई, सिर्फ चार रोटी बनाई हैं कि बच्चों को एकदम से भूख लगने लगे और मेरा काम फैला हुआ हो, क्योंकि मुझे सिर्फ राइस बनाना है थोड़े से, अगर बनाए तो नहीं तो नहीं बनाऊंगी। और ये थोड़ी सी फली की सब्जी, बीन्स की सब्जी बनाई थी, और यहाँ पे थोड़ी कढ़ी बनाई थी, थोड़ी सी रखी है क्योंकि ये मैंने ब्रेकफास्ट और लंच साथ में ही बना लिया, और क्योंकि हस्बैंड तो अपने काम पे चले गए हैं, वो पता नहीं कितनी देर में आएंगे, जब भी आएंगे उनके लिए कुछ फ्रेश सा सूजी की खीर वगैरह बना दूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मुझे कुछ बनाना नहीं है, चार रोटियाँ इसलिए बना दी हैं कि बच्चों को या मुझे किसी को भूख लगे देर हो जाए काम करते करते तो हम लोग खा लें। तो अभी पहले मैं डस्टिंग कर देती हूँ घर की, बाद में ये काम शुरू करूँगी, तो पूरा घर थोड़ा मैनेज रहे ना, उसके बाद आप एक चीज़ छेड़ो तो घर फैला हुआ सा गंदा नहीं दिखता है ना, और सफाई भी दिखती है, और अगर चीज़ें पहले से डिस्टर्ब पड़ी हुई हैं और आप दूसरा काम छेड़ दो ना तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। और बच्चों को इतना मैं लगाती हूँ पढ़ने पर क्योंकि मैं काम करूँगी तो इनको भी काम पर लगाऊंगी, नहीं तो ये इधर उधर भटकते रहेंगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। कर रहा है क्योंकि पढ़ाई करेगा तो ठीक रहेगा, और श्रीजा को बैठाया इधर क्योंकि दोनों एक साथ बैठते हैं तो करते हैं झगड़ा, और श्रीजा मैडम कर लो जल्दी अपने सम्स कंप्लीट करके दिखाऊं, और मैं भी अपने काम पे लगी हूँ, मुझे किचन क्लीन करनी है, उससे पहले मैं वॉशिंग मशीन लगा दूँगी अपनी तो ठीक रहेगा, कपड़े भी धुल जाएंगे साथ साथ में, और मैं बाद में बात लूँगी आज तो मेरे कपड़े भी साथ साथ वॉश हो जाएंगे। पहले ये जो चीज़ें फैली पड़ी है ना इनको थोड़ा सा मैनेज कर देती हूँ घर में तो ठीक रहेगा। सो गाइस यहाँ पे मैं अपनी जो चीज़ें फैली पड़ी हैं और जो ये बेडशीट मैंने वॉश करी थी तो इसको लगा दूंगी बेड में से निकाल के, नई बेडशीट, और चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर दूंगी, यानी जब किचन क्लीनिंग करूंगी तो चीज़ें पहले ही ना लगें, घर डिस्टर्ब सा ना रहे, और मैं घर के बाहर आई हूँ लैपटॉप सही कराने के लिए तो वहीं पर अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हाउसवाइफ को अपना काम करना पड़ता है कि आप बाहर भी हो ना तो अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है तो आप उस चीज़ को काम को अगर आप कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई मैं हर मैसेज का कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ बट इतना टाइम नहीं लग पाता बच्चों के साथ में फैमिली के साथ में, तो बस वही मैं अपने बेडशीट वगैरह लगा दूंगी, साफ बेडशीट लगा के घर वैसे ही ऐसा लगता है जैसे कितना क्लीन हो गया हो। और सक्षम को मैंने वर्क करने के लिए दे दिया है, श्रीजा को रूम में बैठाया, नहीं तो दोनों झगड़ा करते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं करते, तो बस सक्षम अपना वर्क कर रहा है, श्रीजा अपना वर्क कर रही और मैं अपना वर्क कर रही हूँ, और उसके बाद में मैं सोचूँ घर को थोड़ा सा मैनेज करने के बाद किचन क्लीनिंग शुरू करूँगी। तो घर को एक काम को सेट करने के बाद आप दूसरा काम करते हो तो ठीक रहता है, फिर मतलब घर में लगता है कि सफाई हो रही है, ऐसा नहीं कि घर फैला पड़ा है और हम लगे पड़े हैं, सारी चीज़ों को एक साथ फैला लेते हैं तो ठीक नहीं रहता। तो ऐसे घर के एक एक एरिया की अगर आप क्लीनिंग करो ना
तो आपका घर मैनेज भी रहेगा। एकदम से कोई आपके घर पे आ जाए तो आपका घर गंदा सा नहीं दिखेगा। आप उसको एक जगह पे बैठा तो सकते हो ना, और पूरा ही घर आपने पहले सोचा कि एक साथ ही सफाई करेंगे तो ऐसा नहीं होता, वो गंदगी फैल जाती है। और जब तक मैं काम कर रही हूँ तो बच्चों के दिमाग में भी है कि हमें भी पढ़ाई करनी है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो बस ये सब मैंने कर दिया, अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। और किचन में पहले डीप क्लीनिंग करनी है, तो पहले चीज़ों को उतारना है, उसके बाद में क्लीन करना है। तो त्योहारों पे तो ये वाली सफाई आई थिंक सभी के घर पे होती होगी, और नहीं होती तो करनी चाहिए आई थिंक। और मंथली सफाई अगर आप करते हो अपने किचन की, अपने पूरे घर की, तो फिर आपको चीज़ों को मैनेज करने में इतना टाइम नहीं लगता। और अभी मैंने पिछले महीने अपने किचन की क्लीनिंग की थी, आपके साथ शेयर भी किया था जब मेड को लगाया था, तो घर बिल्कुल मेरा क्लीन है, किचन भी क्लीन है, बस जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना। और इस तरह की सफाई करने से ये भी फ़ायदा रहता है कि हमारे घर में ना क्या क्या चीज़ें कहीं कुछ डब्बों में पड़ा हुआ ख़राब तो नहीं हो रहा, कुछ वेस्ट तो नहीं हो रहा, या जो चीज़ें कुछ एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं, वो सब हमें चेक कर लेते हैं। और ऐसे चीज़ें ख़राब भी कम होती हैं अगर आप चेक करते रहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक हिट का है, और ये हिट एंटी रोच जेल। तो अगर आपके घर में कॉकरोच या कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं तो आप इसको यूज़ कीजिए। वैसे मेरे घर में आते नहीं है, लेकिन पहले इस घर की ये जो लकड़ियाँ ना गली हुई हैं, तो इसका मतलब इसमें दीमक थी जो भी पहले रहते थे। तो मैंने इसमें ये हमेशा जब भी मंथली क्लीनिंग करती हूँ तो ये मैं इसको, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इंजेक्शन टाइप का होता है, इसकी एक कैप होती है, इसको ओपन करो और इसको ऐसे हम प्रेस करेंगे, ये लिक्विड सा ये जेल टाइप का कुछ निकलता है। तो इसके कॉर्नर में एक एक ड्रॉप हमेशा मैं ये लगा देती हूँ, मतलब इसमें नहीं, जितने भी ड्रॉर्स हैं ना किचन की सब में लगा देती हूँ, सिंक के पास लगा देती हूँ, उससे आपके घर में कॉकरोच कभी नहीं आएंगे। और अगर है कॉकरोच तो आप यकीन मानिए रात में वो ढेर सा निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि पहले इसमें कॉकरोच थे। जब मैंने इसको पहली बार लगाया तो इस मकान में से इतने कॉकरोच निकल के आए, वो सब क्लीन हो गया, कोई कॉकरोच यहाँ पे नहीं है और नहीं आता है। तो एक बहुत अच्छा चीज़ है आपके लिए। इसके अलावा मैं घर में काफ़ी कुछ रखती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये हिट भी मैं रखती हूँ, अगर कभी कॉकरोच या फिर इस तरह के कीड़े मकोड़े किचन में मुझे दिखते हैं तो मैं स्प्रे कर देती हूँ। और ये चीज़ें ऑप्शनल में रखनी ही चाहिए, कभी हो भी जाता है बरसात वगैरह में। ये है लक्ष्मण रेखा, इसको भी मैं रखती हूँ, कहीं पे मुझे ऐसा कुछ दिखता है ज़्यादा तो मैं लगा देती हूँ, तो ठीक रहता है। और आप इसको हमेशा अपने पास रखोगे ना, एक एक करके खरीद लो और मंथली क्लीनिंग पे लगा दो, तो घर में कभी भी कीड़े मकोड़े या इस तरह की चीज़ें आपके नहीं आएंगी। तो बस मैं इसको पहले थोड़ा कपड़ा से झाड़ लूँगी, और मैं कोलीन की बोतल फिनिश हो रही है, नहीं तो कोलीन से मैं स्प्रे करके इसको साफ कर देती हूँ, कॉर्नर्स में ही लगा देती। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले इसको क्लीन किया था तो ये डर्टी नहीं है बिल्कुल भी। तो आप मंथली क्लीनिंग करते हो, उसका फायदा आपको यही होता है कि आपकी किचन कभी बहुत ज्यादा गंदी नहीं होती। तो उसको मैं क्लीन कर लूंगी, इतना मेरी मेड आएगी, इतना मैं ये सब काम। सो गाइस, बस इसी तरह दूसरा वाला जो मेरा इधर का ड्रॉअर है उसको भी ओपन कर लूंगी। सारे मसाले रहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, मसाले अधिकतर रहते हैं। और ये वाला जो कॉर्नर है ना किचन का, इधर मैं मसाले रखती हूँ हमेशा, और इधर जितनी भी दाल चावल चीनी तेल, तो मेरा डिवाइड रहता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है फिर रखने में चीज़ों को। तो देखो ये किसान जान के जार है ना, इसको मुझे कलर करना है, अभी मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, आप समझ सकते हो, हॉस्पिटल की हॉचपॉच में। इधर लौंग रखी हुई है, इधर अजवाइन, मेथी दाना, सौंफ, तो इस तरह की चीज़ें मैंने इस पर रख रखी हैं। और जो इसमें नई भी आ रही ना, जैसे पिसा हुआ धनिया और ये सब मैंने इधर रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैनेज करती हूँ। उधर मैं इलेक्ट्रिक कैटल, सैंडविच मेकर और ये कैन खाली है, इसको निकाल, कूड़ा झड़ता रहता है नीचे, तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे न्यूज़पेपर लगा दिया है। तो आपके पास अगर ऐसी बास्केट है और नीचे प्याज आलू का कचरा झड़ता रहता है तो आप भी इसमें अखबार लगा दो, फिर कचरा नहीं नीचे निकलेगा। और इधर सक्षम मेरी हेल्प कर रहे हैं, देखो तो जो चीज़ें मैंने रूम में रख दी थी, क्योंकि इधर उसने मॉपिंग मतलब झाड़ू लगाई थी ना, तो ये चीज़ें मैंने किचन से बाहर कर ली थी। और ये मेरी मेड है, ये किचन क्लीन कर रही है, इतना मैं ये सब काम कर लूँगी। तो ऐसा नहीं है कि हम मेड के भरोसे पूरा घर छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते, अपनी क्लीनिंग जो होती है घर की वो तो करनी होती है। तो सक्षम मुझे चीज़ें उठा उठा के दे रहा है, मैं उन पर गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। गीले कपड़े से इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मेरी क्लीन ही हैं। जैसे मेरा कोई भी खाली होता है ना डब्बा किचन का, या फिर कोई चीज़ जैसे आलू प्याज की टोकरी खाली होती है, तो मैं उसी दिन इसको वॉश करवा लेती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि ये मंथली क्लीनिंग पे ही साफ़ होंगी। तो सारे जार वगैरह मेरे बिल्कुल साफ़ हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। या फिर कहीं से ज़रा सी ड्रेस दिख रही है जिस दिन, आप उसी दिन क्लीन करा लो, तो काम नहीं बढ़ता, नहीं तो उसी दिन सब चीज़ें फैला के सब। और ये जो मेरे बड़े बड़े ड्रम वगैरह हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, तो इसमें भी मैं जैसे ये खाली होती है ना मंथली राशन भरती हूँ,
तो तभी मैं इसको साफ करवा लेती हूँ। सारी चीज़ें मेरी क्लीन है और खेल रहा है पीछे, देखो ऊन मिल गई उसको, धागा कहीं से वो सारे में फैला फैला के उसको खेल रहा है। तो बच्चों के यही वाले गेम होते हैं। और ये जो मेरे पास एक रैक टाइप है जो मैंने लिया अभी, तो ये मेरा पहले पुराना टीवी था, टीवी यूनिट था छोटा सा, पहले इस टाइप के आते थे ना टेबल सी, एक छोटा सा टीवी मेरा इस पर रखा रहता था। तो अब तो ये दीवार पर लगाने वाले टीवी आने लगे, पहले दूसरे टीवी होते थे, पहले वो वाला टीवी। तो मैंने इसको टेबल को फेंका नहीं था, मतलब किसी को दिया भी नहीं था।